गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो वे लोग फाइनली आप लोग न्यू बैनर देखे होंगे कि हम लोग गेम के अंदर दो न्यू इवेंट आया है जिसमें से आप लोगों को एक में आपको मिलता है दो बंडल स्पिन करने से जिसमें आपको डायमंड लगेगा, दूसरा में आपको डायमंड नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा एक बंडल और साथ ही साथ गन का स्किन जो आपको यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में दोनों इवेंट के बारे में बताने वाले हैं और लाइव स्पिन करके दिखाने वाले हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग यहाँ से एक और बंडल जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा वो बंडल के बारे में बताने वाले हैं। तो ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए आप चैनल सब्सक्राइब करने लगे लाइक लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स टिप्स एंड ट्रिक्स होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें यहाँ से न्यू इवेंट की, हम लोग यहाँ रोड टू दिवाली पर आ पाते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाती है क्लास स्क्वाड 4v4। तो यहाँ से लिखा गया है प्ले क्लास स्क्वाड मोड एंड किल एनिमीज अर्न बैटल फील्ड बंडल। तो यहाँ से आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको रिडायरेक्ट करके यहाँ पर से और आपको बोलेगा कि स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पर सब करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ सब देख सकते हैं कि ये जो बंडल मिलेगा आपको 3 दिन के लिए मिलेगा, यहाँ पर जो भी चीज़ मिलेगा 3 दिन के लिए मिलेगा और बंडल का, और उसको यहाँ पर आपको गन की जो स्किन मिलेगी वो आपको 7 दिन के लिए मिलेगी। तो इसमें से आपको पहले क्लास स्क्वाड मोड 6 टाइम उस क्लास स्क्वाड में आपको यहाँ पर 50 किल करना होगा, उसको यहाँ पर से क्लास स्क्वाड को 6 प्ले करना है, उसको यहाँ पर 9, उसको रैंक में 3, उसको रैंक में 6, रैंक में यहाँ पर से 10 गेम प्ले करना होगा, उसको आपको जो है ये सब चीज़ बिल्कुल यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो होगी यहाँ की बात। उसके बाद बात कर ले दूसरी चीज़ कोडा शॉप के बारे में, जो मैंने बताया था वीडियो बनाया था कोडा शॉप का, कि कोडा शॉप के हमको कोडा शॉप में हम लोग दो बंडल है स्ट्रीट बॉय वाला बंडल। तो जिस आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मेरे को ये वाला फाइनली मेरे को बंडल जो है ये वाला मिल गया। तो इसका अगर डिटेल्स आपको जानना है तो आई बटन पे मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको जो उसका प्रोसेस है वो क्या है और किस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान पर रखिएगा आपको जो टॉपअप है टॉपअप करने के कुछ दिन के बाद वो आपको जो यहाँ पर मेल बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फाइनली मैंने कुछ दिन पहले टॉपअप किया था तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ मेल बॉक्स में मिल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे को ये चीज़ यहाँ से मिल गया। तो चलिए फिर भी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से कि आपको ये बंडल मतलब किस तरीके से मिला, थोड़ा सा उसका झलक दिखा देते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ से कितना स्पीड में मिलता है। तो पहले इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आपको जाना पड़ेगा आपके फोन के किसी ब्राउजर पर, क्रोम ब्राउजर है, फिर मतलब सिंपली ब्राउजर है, फिर गूगल में कहीं पर आपको जाना, उसके बाद आपको सर्च करना है कोडा शॉप। ठीक है, कोडा शॉप सर्च करने के साथ साथ आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली स्लाइड के लिए यहाँ पर से आप कर देते हैं, यहाँ पर लिखा पे यूजिंग पेटीएम ऑन कोडा शॉप फॉर एनी फ्री फायर टॉप ऑफ एंड गेट 7D डिलैक्स पैक। तो आपको ये बंडल मिलेगा वो 7 दिन के लिए मिलेगा, और इसका पीरियड है मतलब कितने दिन चलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 25 सितंबर से स्टार्ट हुआ और आपको ये मिलेगा ये 8 अक्टूबर तक मिलेगा। तो आज तो 4 हो गया, आपको यहाँ से बचा हुआ टाइम जो है वो 4 दिन बचा हुआ है। तो उसको नीचे में लिखा हुआ है रिवार्ड विल बी सेंट द फॉलोइंग डे ऑफ द टॉप ऑफ भैया इन गेम मेल बॉक्स मेल मैक्स ऑफ 4 रिवार्ड पर अकाउंट, यानी कि 4 रिवार्ड यहाँ से आप ले सकते हैं, मतलब 4 बार आपको ऑप्शन मिलेगा। तो 4 बार यहाँ से अगर टॉपअप करते तो यहाँ सबको मिलेगा। तो लेकिन ध्यान पर रखिए पेटीएम से तो यहाँ सबको, उसके बाद आपको अंदर जाकर मतलब कितने का अगर आप टॉपअप कराते तो वो आपको मिलता है, मतलब कहा जा रहा है कि जितने आप किसी भी टॉपिक मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि 4 एनी टॉपअप, बट आपको ध्यान पर रखिए कि यहाँ सबको एनी टॉपअप में नहीं मिलता। अगर आपका टॉपअप थोड़ा सा ज़्यादा रुपए का होता है ना तो वहाँ से कर सकते हो। मैं सिंपली फ्री फायर पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके से आपको दिखा दे थोड़ा सा कि यहाँ से इसका मतलब मेथड है क्या क्या है। तो यहाँ से आपको देख पा रहे हैं कैसे 50 डायमंड ले सकते हैं, 100 डायमंड ले सकते हैं, यहाँ पर 310 डायमंड ले सकते हैं, उसको यहाँ पर से 520 डायमंड ले सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट में लिया था वो 50 डायमंड लिया था, बट मेरे को वो चीज़ नहीं मिला था, तो मैंने 310 डायमंड यहाँ से लिया तो मेरे को मिल गया था। तो आप यहाँ पर से 100 डायमंड लेके टॉप अप करके भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ऐसे भी हम लोग यहाँ से इवेंट चल रहा है डबल 2x डायमंड का। तो यहाँ से अगर आप 100 डायमंड परचेज करते हैं तो वहाँ से आपको जो है 200 डायमंड मिलेगा, यानी कि 100 डायमंड तो आपको यहाँ पर से मिल ही जाएगा। साथ ही साथ जो हम लोग का इवेंट चल रहा है इवेंट के हिसाब से आपको वहाँ पर से फिर से 100 डायमंड मिल जाएगा। तो आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं, अगर आपको टॉपअप करना ही है डबल एक्स डायमंड लेने के, तो आप वहाँ से टॉपअप ना करके यहाँ से टॉपअप करो, या फिर 310 डायमंड आपको लेना है एक्स्ट्रा में आओ तो आप 310 का यहीं से टॉपअप करो पेटीएम का यूज़ करके। उसके बाद आपको जो है पेटीएम और UPI का वैल्यू दिया इन लोगों ने कि आप UPI से भी कर सकते तो भी आपको मिल जाएगा, बट पेटीएम से मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम से ट्राई करो, क्योंकि ये लोग मतलब बात मुकरने बहुत ही ज़्यादा आगे रहता है, इसलिए आपका जो बात है मुकर सकता है हो सकता है आपको नहीं देगा। तो मेरे को ये चीज़ जो मिले 3 दिन के बाद मेरे को मेल बॉक्स में मिला। तो फाइनली आप ट्राई कर सकते हो यहाँ से कि आपको ये चीज़ मिलती है नहीं मिलती है एक बार, क्योंकि आप लोग यहाँ से टॉपअप बहुत लोग करने वाले हैं वो स्पिन करने के लिए भी और साथ साथ यहाँ पर से 2x डायमंड लेने के लिए भी। तो चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर। अब
अब तो ये होगी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ से इस चीज़ की कि यहाँ से हम लोग का जो बंडल ये न्यू इवेंट आया है वो स्पिन करने वाले, उसके ऊपर चलते हैं और दिखा देते हैं यहाँ पर सबको कि वो बंडल हम लोग किस तरीके से मिलेगा। तो फाइनली तो ये चीज़ तो यहाँ पर से नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ से यहाँ पर सोने करता है, सिंपल वो बैनर से ही क्लिक करना होगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पर से लॉग आउट करता हूँ। अभी अभी बैनर में सिर्फ शो करता हुआ, अभी गेम के अंदर शो नहीं कर रहा, तो हो सकता है बाद में आपको देखने के लिए मिले। तो अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मॉर्निंग में 6:04 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ से इसे लॉग इन करता, लॉग इन करने के साथ साथ आपको दिखा देते हैं यहाँ पर से मेरे को कितना स्पिन में मिलता है या नहीं मिलता। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पिन करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा डायमंड इन सब चीज़ में बेस्ट होता है। तो देखते हैं यहाँ पर से क्या होता है। तो मेरे पास जो अभी डायमंड है वो है 1109 डायमंड। तो सिंपली इंटर नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर से हम लोग यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ से क्लिक करना हो किसी एक कार्ड पे, तो यहाँ से आप देख पा रहे कन्फर्म पहले यू विल स्पिन 50 टू फ्लिप दिस कार्ड, तो यहाँ से आपको कन्फर्म करना होगा। उसके बाद आपको 50 डायमंड जैसे चला गया, तो मेरे को यहाँ से मिला एक बॉक्स, तो मैं सिंपल यहाँ से कन्फर्म कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है रीसेट हो गया। तो यहाँ से आप करना क्या है, अगर आप इसे रीसेट करना नहीं चाहते तो यहाँ शायद मैं चेक करता हूँ, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को मिला बाउंड्री टोकन, यहाँ से आपको कट करना है, उसको ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। अच्छा रिमूव कार्ड, मान लो कि आपको रिमूव कार्ड करना है, तो यहाँ से आपको करना क्या है 99 डायमंड के साथ आपको यहाँ से स्पिन करना है। तो देखते हैं भाई यहाँ से ये मेरे को मिला, उसको यहाँ से तो भाई ये कार्ड रिमूव कहाँ हुआ, हाँ एक कार्ड रिमूव हो गया ठीक है। और फिर से आपको देना था, यहाँ से आपको फिर से आपको 199 डायमंड लगे, उसके बाद ये वाला कार्ड जो है फिर से आपको रिमूव हो जाएगा। तो इससे आपको चांस क्या होता है, इससे आपको मतलब निकालने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाए, बट आपको यहाँ से डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा डायमंड आपका बेस्ट होता है। यहाँ से मैं 50-50 का ही करता हूँ, देखता हूँ मेरे लक में मिलेगा तो नहीं मिलेगा, वरना हाथ के दुम में जाएगा। तो यहाँ सब देखते हैं, अगर मेरे को फिर से बाउंड्री मिला तो ये फालतू को चला गया यहाँ से। तो ये मतलब जो इसका जो डायरेक्शन होता है, पोजीशन होता है, ये बार बार चेंज करता रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिंपली यहीं पर है, तो वो चीज़ यहाँ से चेंज होता रहता है। अरे यार कबाड़ी कर दिया, फिर से मेरे को यहाँ से लाना पड़ेगा। तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ आगे चलकर, ताकि आपको समझ में आ जाए कितनी स्पिन में आपको यहाँ से ये चीज़ मिलेगा। यार मैं इतना समझा देते हैं इन लोगों को कि मैं मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आता हूँ, लेकिन इन लोगों की खोपड़ी में बात जाता ही नहीं, समझ भी नहीं आता यार कि इन लोगों को किस तरीके से समझाऊँ कि भाई मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आता हूँ, गेम प्ले करने के लिए नहीं आता। तो मेरे को मॉर्निंग में आप लोग इन्विटेशन मत भेजिएगा। तो चलते हैं फिर से यहाँ पर, देखते हैं कि ये लोग क्या करता है। फिर से मेरे को लगता है रिक्वेस्ट देगा, फिर से कट के बैक आ जाएगा, फिर से आपको आना पड़ेगा यहाँ पर से। तो इसका जो डायरेक्शन ये बार बार चेंज होते रहते, फिर से मैं 50 डायमंड लाता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ ट्राई, देखता हूँ फिर से भसा भाई ये बाउंटी टोकन। यार क्या गजब का बंदा यार, समझ भी नहीं आता ये गरेना वाला के दिमाग में क्या चल रहा है। भाई इन लोगों के दिमाग में लगता है भूसा भरा हुआ कि इतना डायमंड आदमी लगाया कहा। देख फिर से यहाँ से लूट बॉक्स दिया, हद है यार हर चीज़ की। लेकिन अबे यार क्या कर दिया इन लोगों ने, समझ भी नहीं आता। फिर से यहाँ से लाओ, और ऊपर से इन लोगों ने गरेना वाले ने यहाँ पर से दिया भी नहीं कि मैं यहाँ से ट्राई कर लूँ, कि यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया गया, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कि यहाँ से मैं ये करूँ। तो फिर से मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर से ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का तो मतलब ये तो सुधरने वाला है नहीं कभी। तो फिर से मैंने यहाँ पर लॉग आउट करा, फिर से मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से। तो अभी तक 6:05 तक अभी तक जो है वो वाला चीज़ जो है हम लोग किसी भी सेक्शन में शो नहीं कर रहा है, सिंपली बैनर से हम लोगों को यहाँ से क्लिक करना पड़ रहा है। तो फिर से मैं ट्राई करूँ, मेरे पास 710 डायमंड, तो मैं ज़्यादा स्पिन नहीं करूँगा, 2-3 स्पिन करूँगा, उसको देख लूँगा यहाँ से कि हम लोग का जो बंडल है वो मिलता है नहीं मिलता, वरना नहीं मिलता चला जाए भाड़ में। उतना डायमंड नहीं है फालतू का जो मैं यहाँ से वेस्ट करूँ इस बंडल के लिए। तो खैर बंडल देखने में ठीक ठाक है, कुछ मतलब ये नहीं है, बट यहाँ से मिलने रहा है बहुत ज़्यादा बंडल। ये भाई देख 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 गरीने वाला काम, ये तो बना रहा है भाई, तरीके से बना रहा है, लूटने का भाई हद होता है यार हर चीज़ का। देख भाई ये देख भाई देख, आप देख रहे हो यहाँ से कि मैंने यहाँ पर से कितना डायमंड वेस्ट करा, बट मेरे को यहाँ से मिल के रहा है बाबा जी का टुल्लू। देख भाई बाउंटी टोकन, वाह भाई गजब गजब भाई कतई जा। तो भाई मैं अब स्पिन नहीं करूँगा यार, इन लोगों ने मेरे को परेशान करके रख दिया, मैं स्पिन नहीं करूँगा। तो फाइनली आपके सामने रिजल्ट आपके सामने है कि यहाँ से आप लोग कितना सारा डायमंड वेस्ट करना पड़ता है, वो भी बंडल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा कन्फर्म नहीं है। अगर आप फर्स्ट में 99 डायमंड का वेस्ट करते हैं, फिर से 199 डायमंड का, फिर से 299 डायमंड का, फिर से 399 नहीं नहीं फर्स्ट में 99 डायमंड, सेकंड में 199 डायमंड, उसके बाद थर्ड में उसका डबल, फिर फोर्थ में उसका डबल, फिर फिफ्थ में फिर उसका डबल, तब आपका जो यहाँ से ये चीज़ जो है ख़त्म होगा। तो फाइनली ये मतलब एक हिसाब से मूर्खता वाली बात है। अगर आपको अपने लक ट्राई करना है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, अगर आपका ज़्यादा डायमंड है तो आप 2-3-4-5 स्पिन ट्राई करो, उसके बाद इस चीज़ को ट्राई मत करो, क्योंकि ये बार बार रीसेट होता
रिसेट होता जा रहा है, और रिसेट होने के साथ साथ आपको जो है ये बंडल मिलेगा नहीं, मुश्किल है आपको मिलना भाई, क्योंकि ये जो है बार बार डायरेक्शन अपना चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि बंडल इसी में है तो फिक्स इसी में है, ऐसा नहीं। यहाँ पर से 9 कट मतलब जितना भी दिया गया है उसके हिसाब से आपका जो बंडल है वो भी क्या उसका भी डायरेक्शन जो होता है, उसका भी जगह जो होता है उसका वो मतलब चेंज होता रहता है, वहाँ से आपको जो है मिलने के चांसेस बहुत ही कम बनते। तो फाइनली मेरा काम था आप लोगों को मतलब सजेशन करना, आप लोगों को बताना, तो फाइनली आपको बता दिया। तो आप लोग मेरे कमेंट बताइए कितने ऐसे लोग जो ऑलरेडी स्पिन कर चुके हैं और किस किस को मिला है या नहीं मिला है, या फिर किसको क्या मिला है, वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना सी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।